देखिए जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सांसदों का निलंबन नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं राजद के छात्र युवा नेता और प्रदेश महासचिव आशीष कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं पहले उनका परिचय। सर अपना परिचय देखिए। मेरा नाम आशीष बाबू कल्याण है, हम छात्र राजद प्रदेश महासचिव है बिहार से। देखिए जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देखिए आज हम लोग जो है इंडिया महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, सांसदों को जो निलंबित किया गया है उनके खिलाफ रोष प्रकट करते हैं, और सांसदों के निलंबन पे हम सभी इंडिया महागठबंधन के साथी आज रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये कहना उचित नहीं होगा कि जो सांसद को निलंबित किया गया है, यह अलोकतांत्रिक कदम, लोकतंत्र की हत्या हुई है और इसका जवाब जनता जरूर देगी 2024 चुनाव में, इसे कभी जनता भूल नहीं सकती है। मुझे एक बात से समझ नहीं आ रहा है, जो बीजेपी के जो सांसद के द्वारा उनके मुख्य अतिथि जो थे उनके हस्ताक्षर के अति पे सांसद भवन में प्रवेश हुआ, दो आरोपी प्रवेश किए और उसने सांसद भवन लोकतंत्र के मंदिर में हमला आवार किया, और वैसे सांसद अभी भी सांसद भवन के अंदर बैठे हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरे तरफ हमारे विपक्षी सांसद हैं, सरकार के कानून की बड़ी सुरक्षा चूक जो हुई है इस पे सवाल किए, बीजेपी के सांसद के ऊपर सवाल किए तो उनको निलंबित किया गया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये सांसदों का निलंबन नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है जिसे जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, और जनता 2024 के चुनाव में इसे जवाब जरूर देंगे। लेकिन जीत तो रही है भाजपा तीन राज्यों में। देखिए जीत रही है भाजपा जो जीत रही है ये हिंदू मुस्लिम करके जीत रही है। अब जो है जनता समझ चुकी है ये कोई बात नहीं है, तीन राज्य के चुनाव है, अगर देखा जाए वहाँ के वोट बैंक को भी तो इंडिया कुछ भी बढ़िया अच्छा खासा वहाँ से परसेंटेज वोट आया है, लेकिन 2024 के चुनाव में पूरा पत्ता साफ हो जाएगा। आप देख लीजिए बिहार से ही स्टार्ट हुआ है ये आंदोलन और पूरा देश में हर एक कोने कोने में ये आंदोलन होगा। आप एक छात्र नेता हैं, एक युवा हैं, आप जनता को कैसे जगाइएगा, कैसे बताइएगा? देखिए जनता अब जग चुकी है, जनता को जनता सब चीज़ देख रही है। आज जो ये मामला हुआ है, ये बड़ी चूक जो हुई है, क्या बोलते हैं, हमारे सुरक्षा कानून पे हम नहीं सवाल उठाएंगे, लेकिन सरकार की ये नाकामी है। खुशी की बात है जो उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, दो आरोपी जो सांसद भवन लोकतंत्र के मंदिर में घुसा, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक हुई है। इस पे सवाल करना सांसदों का व्यक्तिगत और क्या बोलते हैं जनता के हित के लिए बात होती है, ऐसे बातों पे हमारे विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, ये कतई सही नहीं है। और ये दर्शाता है कि जो ये अभी की जो सरकार है ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इधर तो देख रहे हैं कि भाजपा बहुत हमलावर है आप लोग पर, आरजेडी को लेकर या बिहार सरकार पर लेकर, कभी शराब माफिया को लेकर, बालू माफिया पर लेकर, कि बिहार में लॉ ऑर्डर एकदम बर्बाद हो चुका है। देखिए ये उसकी जो है रचा हुआ बात है, इस पे जनता ध्यान नहीं देती है, क्योंकि देख रहे हैं अभी बिहार में किस तरह विकास हो रही है। तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था, अभी हाल फिलहाल में 5 लाख प्लस पूरा आ चुके हैं, और देख रहे हैं कैसे नौकरी की भरमार लग चुकी है। और ये जो बोलते हैं जंगल राज में नौकरी का, आप यूपी में ले लीजिए, यूपी में क्या है जंगल राज नहीं है, वहाँ मंगल राज है का, ये हमको जवाब दे नरेंद्र मोदी। लगता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या इस पर बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव के बीजेपी वाले पूरे घबरा गए हैं, अभी जो ये मीडिया के जरिए देख रहे होंगे तो उनके जो है ना अंदर से बौखलाहट आ गई होगी। और देखिए हाल फिलहाल में ही वो फिर किसी नेता पे, किसी सांसद पे ईडी सीबीआई भेजने का काम करेंगे, आप देख लीजिए हाल फिलहाल में ही। और लालू यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो विपक्षियों से कभी डरे नहीं हैं और नहीं डरेंगे, और हम लोग उनके विचारधाराओं पर चलते हैं, हम लोग भी कभी उनसे डरने वाले नहीं हैं बीजेपी वाले से।